हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पालक पनीर। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ पालक। पालक मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही गुच्छी ली है और इसको बढ़िया से अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया कोल्ड वाटर, आइस वाला वाटर, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग करने के लिए जो आपने पालक ने क्लीन किया था उसको जो है गर्म पानी में अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है बढ़िया से। पालक को आपने सिर्फ 5-6 सेकंड ही पानी में बॉईल करना है, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। इससे अगर आप ज़्यादा बॉईल करोगे तो पालक का जो कलर है वो चला जाएगा। तो आपने सिर्फ इसको 5-6 सेकंड ही बॉईल करना है। बॉईल करने के तुरंत बाद ही इमीजिएटली आपने उसको कोल्ड वाटर में डाल देना है। कोल्ड वाटर में डालने से क्या होता है, जो भी पालक की जो कुकिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसलिए जब भी आप इसको गर्म पानी से निकालोगे तो इमीजिएटली इसको ठंडे पानी में डाल देना है। तो बढ़िया से पालक जो था, जब मैंने इसको ठंडे पानी में डाला तो बढ़िया से ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो ठंडा होने के बाद अगर आपको इसको कट भी करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। अगर आप इसको पीसेज में कट करोगे तो पीस में कट कर लेना, या फिर डायरेक्टली ग्राइंड कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से निचोड़ के बढ़िया से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने में यहाँ पे डाल दूँगी मैं हरी मिर्च, आप यहाँ पे धनिया भी, हरा धनिया भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो पालक हो गया मेरा बढ़िया से ग्राइंड, अच्छा सा एक बढ़िया सा फाइन पेस्ट मेरा हो गया तैयार। अब पालक पनीर बना रहे हैं तो पनीर तो ज़रूरी होएगा, तो पनीर को मैं बढ़िया से पीसीज में, क्यूब्स पीस में इसको मैं बढ़िया से कट कर लूँगी। बड़ा बड़ा साइज़ ही रख रही हूँ, छोटा छोटा साइज़ नहीं रखूँगी, क्योंकि पालक पनीर में पनीर का जो साइज़ होता है बड़ा बड़ा ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पनीर है वो बढ़िया से क्यूब्स में कट हो गया। अब आप यहाँ पे पनीर को फ्राई करना चाहते हो तो फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। इसको मैंने जो लुक वर्म वाटर होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी होता है, उसमें मैं इसको डाल के रख दूँगी। कोई इसको 10 मिनट में डाल के रखूँगी। इससे क्या होगा, जब आप बाद में पनीर को ऐड करोगे सब्ज़ी में तो पनीर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होए। अब कर लेते हैं हम पालक पनीर की ग्रेवी, कर लेते हैं तैयार। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ 1 चम्मच, उसको बढ़िया से अच्छे से गर्म कर लेना। उसके बाद इसमें ऐड कर देना मसाले जो आप डालना चाहते हो। मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया और हींग भी, थोड़ा सा हींग मैंने यहाँ पर ले लिया था। उसके बाद मैंने चॉप्ड किए हुए लहसुन और साथ में हरी मिर्च ऐड कर दी है, उसको भी आपने बढ़िया से हल्का ब्राउन कर लेना है। उसके बाद डाल देना है प्याज, चॉप्ड प्याज आपने डाल देना है। इसको भी बढ़िया से पका लेना है। जब मेरा जो प्याज होगा हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसको बढ़िया से पका लेना। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है मसाले, नमक, लाल मिर्च हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, तेज वाली जो मिर्च होती है वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और साथ में गरम मसाला, धनिया पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। इसको भी है बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना। जब आपके मसाले जो अच्छे से पक जाएंगे, मसाले पकने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना जो भी आपने पालक का जो प्योरे बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है। बढ़िया से भी उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें आपने इसमें, आपने जो है इसमें पानी ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली पानी ऐड नहीं करना है। 2-3 मिनट अच्छे से पकाने के बाद जब आपका पालक अच्छे से पक जाएगा तब जाके अब आपने इसमें जो है पानी ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, कड़छी की हेल्प से इसको चलाते रहना ताकि वो नीचे ना लग जाए, पालक होता है वो नीचे ना लग जाए। पालक को 2-3 मिनट के बाद अच्छे से कुक करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। आप इसमें कोई भी चावल का आटा हो सकता है या मैदा, वो भी इसमें डाल सकते हो। उससे क्या होता है, वो एक बाइंडिंग का काम करता है। घी जब लास्ट में ये होता है कि पालक से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लग जाता है, तो इससे क्या होएगा, वो पानी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पनीर हो गया सॉफ्ट। तो अब डाल देते हैं पनीर को ग्रेवी में, जो आपने पालक की ग्रेवी बनाई है। मैं ग्रेवी बनाने के लिए इसमें लगे थे सिर्फ 7-8 मिनट ही लगे थे मेरे को ग्रेवी मेरी, पालक जो कुक हो गया था बढ़िया से। तो आपने डाल देना है पनीर, जितना आप डालना सकते हो उतना आप डाल सकते हो, बढ़िया से अच्छे से कर लेना है। इसको मिक्स पकाना चाहते हो तो पका सकते हो, मैंने यहाँ पे पनीर को नहीं पकाया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम डाल सकते हो आप, उससे क्या होता है बढ़िया टेस्ट भी आता है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है पालक पनीर। तो यहाँ पे जो थी मेरी पालक पनीर की सब्जी बन के होगी थी तैयार। तो आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं
पालक पनीर की सब्ज़ी को सिर्फ चपाती के साथ ही इंजॉय करूँगी। आप इसको किसी नान के साथ या चावल के साथ भी, परांठे के साथ भी, या कोई अच्छा परांठा उसके साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये लगेगी। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।